क्या फतेह मोहम्मद को इतना नवाज कर हमारी गैरत को ललकारा नहीं गया? नहीं, हकदार को सिर्फ उसका हक दिया गया है और हमसे हमारा हक छीन लिया गया। नहीं, तुम्हारा कोई हक तुमसे छीना नहीं गया, अलबत्ता दिया भी नहीं गया है। तो क्या बाबा जान का यही इंसाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप हमारे साथ इस बेइंसाफी के खिलाफ? नहीं, अगर तुम अपना हक मांगोगे तो बाबा जान की इस रहम दिली की तौहीन करोगे जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर की है, वरना मैदाने जंग में फौज को छोड़कर भागने वाले सिपा सालार का हक सिर्फ जल्लाद की तलवार होती है। जागीरदार साहब को खबर करो कि नवाब आबिद खां के फौजदार शेख फतेह मोहम्मद सरकारी मालगुजारी की रकम वसूल करने आए हैं। दिलावर खान, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो। आप अंदर जाकर हमारा सलाम पेश करें और कहें हम मिलना चाहते हैं। नूर भी, बेगम साहिबा से कह दो कि जागीरदार साहब से फौजदार फतेह मोहम्मद साहब मिलने आए हैं। आप तशरीफ लाइए। बेगम साहिबा फौजदार साहब को दुआ कहती हैं। बेगम साहिबा की खिदमत में मेरा भी सलाम पेश करो और कहो मैं जागीरदार साहब से मिलने आया हूं। वो मौजूद नहीं है, आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं। मगर आप जिस मकसद से यहां तक आए हैं मैं उससे बेखबर नहीं हूं। तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। आप रकम का बंदोबस्त फरमा कर मुझे अभी रुखसत कर सकती हैं। इस वक्त मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। जागीरदार साहब इस बारे में तमस्सुक लिखकर दे चुके हैं। उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। मुद्दत बढ़ाई भी तो जा सकती है। जो काम बार बार करने के बाद बेनतीजा रहे उसे फिर करना अकलमंदी नहीं। आप इस रकम का बंदोबस्त फरमा दीजिए या जागीरदार साहब से मुलाकात करवा दीजिए। फिलहाल आपकी दोनों बातें मेरे लिए मुमकिन नहीं। और जब तक इन दोनों में से एक बात पूरी नहीं होती हमारी वापसी भी मुमकिन नहीं। आप जब तक चाहें इस गरीब खाने की इज्जत बढ़ा सकते हैं। आप लोग मेरे लिए नवाब आबिद खां के सजावल नहीं, जागीरदार अकबर अली के मेहमान होंगे। आपका मुतालबा भी पूरा होगा लेकिन जब उसका वक्त आएगा। आपने मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आपकी बात तस्लीम कर लूं तो अपने ही हाथों अपने फर्ज का गला घोट दूं, और अगर अपना फर्ज पूरा करूं तो एक शरीफ खानदान की इज्जत और एहतराम का खून कर दूं। इसलिए बेहतर सूरत यही है, या तो आप सरकारी मालगुजारी अता फरमा दें या फिर
जागीरदार साहब से मुलाकात करने दें। अगर आपको ये शक है कि जागीरदार साहब हवेली में होते हुए आपका सामना नहीं करना चाहते, तो आप जिस तरह चाहें अपना शक दूर कर सकते हैं। मोहतरमा, आप मुझे खुद अपने घर की तलाशी की दावत दे रही हैं और मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। ये आपके इत्मीनान और मेरी सच्चाई के सबूत के लिए जरूरी भी है। आप बेशक तलाशी ले सकते हैं। तलाशी ली जाए। तुम उधर जाओ और तुम मेरे साथ आओ। खबरदार, उधर पर्देदार हैं। रास्ता छोड़। आमीन। शरीफों के हुक्म की तामील शराफत से की जाती है, रजालत से नहीं। किसी की इज्जत और नामूस की तरफ नजर उठाना भी गुनाह है। सरदार, जागीरदार साहब औरतों के साथ छुपकर हमें धोखा भी तो दे सकते हैं। शरीफ और बहादुर मर्द कभी औरतों का सहारा नहीं लिया करते। जाओ, बाहर निकलो। मैं माफी चाहता हूं। पुजारी जी, क्या वक्त आ गया है, शरीफों के घर भी सिपाही घुसने लगे। देखिए ना, जागीरदार बेगम मीर अकबर अली अपनी इज्जत की खातिर जो राज बताना नहीं चाहती थी उन पे जबरदस्ती की जा रही है। हाँ मौलवी साहब, देखिए ना, जागीरदार अकबर अली के घर में जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। सुना है फौजदार साहब अपने सिपाहियों के साथ हमसे सवाल करने आ रहे हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे, क्यों गांव वालों? उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत हमारी इज्जत है। हाँ पुजारी जी, हम कुछ नहीं बताएंगे। हम सबने उनका नमक खाया है ना, हम सब पर उनके बहुत एहसान है, क्यों गांव वालों? तुम में से जो भी हमें जागीरदार साहब का पता बताएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। तुम चुप क्यों हो? तुम लोग, तुम भी कुछ नहीं बताओगे? कानून से भागने वालों के लिए खुदाए बरतर की बनाई हुई ये वसी जमीन बहुत तंग हो जाती है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जागीरदार साहब को तो हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तुम सबकी भलाई इसी में है कि हमें सच सच बता दो। सच्चाई और अच्छाई का सबक देने वालों, क्या आप लोग भी नहीं बताएंगे? एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने दूसरों का माल हजम किया है, अमानत में खयानत की है और अदायगी के वक्त भाग गया, छुप गया, फरार हो गया, लापता हो गया। फौजदार साहब, आइए मैं बताता हूं जागीरदार साहब कहां छुपे बैठे हैं। आइए मेरे साथ। ज्यादा नहीं, सिर्फ साल भर पहले की बात है, अपने हाथों से
इस फरिश्ते को इसी जमीन की गोद में सुलाया। इस खुदा के बंदे ने सैकड़ों गरीब लड़कियों को जहेज देकर उनके घर बसा दिए, मगर अपने ही इकलौती बच्ची के लिए तार का एक चल्ला भी ना बनवाया। कितने ही गरीबों को मकान बनवा दिए इसने, मगर अपनी नेक शरीफ बीवी के लिए बाप दादाओं की बनवाई हवेली तक भी ना छोड़ी, वो भी दूसरों के लिए गिरवी रख दी। इसके दर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा, मगर आज इनकी यतीम बच्ची और बेवा को कोई इन्हीं का दिया हुआ कर्जा वापस करने को तैयार नहीं। ले जाइए इसे, ये मट्टी का ढेर है, और वसूल कर लीजिए अपना सरकारी कर्जा। उन गरीब मां बेटियों के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं फौजदार साहब, कुछ भी नहीं। या अल्लाह, अनजाने में मुझसे मीर अकबर अली मरहूम की बेवा और यतीम बेटी की जो तौहीन हो गई है, उसका कफारा अदा करने की मुझ गुनहगार को तौफीक अता फरमा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा की खिदमत में मेरा सलाम पेश कीजिए और कहिए मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी बहुत अच्छा, आप तशरीफ लाइए। फरमाइए। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। मैंने आपको इतनी रात में तकलीफ दी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हालात से बेखबरी में मुझसे और मेरे साथियों से जो दुख आपको पहुंचा है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया है कि शरीफों को कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उन्हें शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दे। मैं आपकी नसीहत अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखूंगा, और अब आपकी खिदमत में सलाम पेश करके रुखसत की इजाजत चाहता हूं। हमने अभी आपका कर्जा अदा नहीं किया, आप उसे वसूल किए बगैर किस तरह जा सकते हैं? मेरे गुनाहों का इससे बेहतर कफारा मुमकिन नहीं कि जो कर्ज मैं वसूल करने आया था वो कर्ज अब मैं खुद अदा करूं। ना आप अभी जाएंगे और ना हमारा कर्ज आप अदा करेंगे। मगर क्यों? आपने और आपके साथियों ने जो किया वो आपके फर्ज का तकाजा था, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो हमारे वकार का सवाल है। आप यहाँ किस लिए आए हैं, इस बात से बस्ती का बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। आपने हमारी बेकसूर रियायत पे सख्तियां की, आपने हमारे घर की तलाशी उस वक्त ली जब एक बेवा माँ के साथ उसकी कुंवारी और जवान लड़की भी थी। अगर आप ये कर्ज माफ कर जाएंगे तो दुनिया हम माँ बेटी के बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी? ये आप क्या फरमा रही है? हम ठीक कह रहे हैं, तलवार का गहरे से गहरा घाव भर सकता है, लेकिन जुबान से लगी हल्की सी खराश भी जिंदगी भर का नासूर बन जाती है। मैदानी जंग में मुकाबला करना आसान है, लेकिन समाज और बिरादरी में सर उठाकर जीना बहुत मुश्किल। मैं आपको अपनी मां समझकर यकीन दिलाता हूं कि आपकी अजमत की तरफ नजर उठाने से पहले शेख फतेह मोहम्मद के खून का दरिया पार करना पड़ेगा। आप मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। अगर तुम मुझे अपनी मां तस्लीम करते हो तो मेरा कहा भी मानो। मर्दान खाने में तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। शब बखैर।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह जागीरदार साहब पता है। आमीन। हरिओम हरिओम। पुजारी जी आप आइए आइए। हरिओम हरिओम। जय सियाराम, जय भोले शंकर। कहिए नमाज हो गई? जी हाँ, अल्लाह से यही दुआ मांग कर आया हूँ कि जागीरदार साहब के घर से मुसीबतें दूर फरमाए और किसी शरीफ घराने में उनकी बच्ची का रिश्ता करवा दे। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। जागीरदार साहब की बीवी और बच्ची का दुख देखकर सारा गांव अपना दुख भूल गया। ऐसा ही होना चाहिए था पुजारी जी, आखिर जागीरदार साहब के हम लोगों पर कितने एहसान हैं। सो तो है। अस्सलाम वालेकुम मौजिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बंदगी पुजारी जी। नमस्कार। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए बैठिए। कहिए, अभी भी कुछ और पूछना बाकी रह गया है क्या? आज जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरा सर शर्म के मारे झुका हुआ है। मैं बेगम साहिबा से माफी मांगने भी गया था मगर उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। कर भी किस तरह सकती है? आप अपने सिपाहियों के साथ घर में दाखिल हो गए, ये भी नहीं सोचा कि इस घर में जवान और कुंवारी बच्ची भी रहती है। आपको इस घर की इज्जत और आबरू के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझे उनकी इज्जत और अजमत का उतना ही ख्याल है जितना अपनी इज्जत का। मुझसे जो भूल हुई है उसका मुझे बहुत पछतावा है। आप दोनों मेरे बुजुर्ग हैं और बेगम साहिबा आपकी बात मानती हैं। आपसे मेरी इल्तिजा है, आप ये पैगाम उन तक पहुंचा दें कि अगर वो मुझे इस काबिल समझें तो अपनी दामादी में कबूल करके मेरी इज्जत बढ़ाएं। मुअज्जिन साहब, लगता है आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो जरूर हम लोग ये पैगाम बेगम साहिबा तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप दोनों से यही उम्मीद थी। आइए, आप लोग तशरीफ रखिए, मैं अभी बेगम साहिबा को जाकर खबर करती हूं। नमस्कार। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भगवान की कृपा से आज तक आपकी ड्योढ़ी से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, इसी उम्मीद पर ये ब्राह्मण भी कुछ मांगने आया है। हमारा कल और आज दोनों आपके सामने हैं, इसलिए हम समझते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो हमारे बस में ना हो। बेशक आपके बस में है, हम दोनों फौजदार साहब के बारे में कुछ कहने आए हैं। हम उन्हें जवाब दे चुके हैं। हम उनके फर्ज के लिए नहीं, उनकी जात के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। फौजदार साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। हाँ, कल हमें उनकी शराफत का एहसास हो चुका है। जी हाँ, कल कब्रिस्तान में उन्हें अपने किए पे जो पछतावा हुआ है वो उनकी आत्मा की आवाज थी। ये सच कह रहे हैं। अगर आप उन्हें शरीयत हैसियत से अपना बेटा तस्लीम कर लें तो वो यकीनन एक अच्छे दामाद साबित हो सकते हैं। आप लोग इस घराने के हम दर्दों में से हैं, इस बात से हमें इनकार नहीं, लेकिन लेकिन जिसकी बात है
उससे पूछे बगैर हम जुबान नहीं दे सकते। बेशक शरीयत इस्लामी का भी यही हुक्म है कि बालिग लड़की की शादी उसकी मर्जी लेकर की जाए। आप अपनी बेटी से रजामंदी ले लीजिए, हम दोनों इजाजत चाहते हैं। सलाम अलैकुम। नमस्कार। अम्मी तस्लीम, जीती रहो, खुश रहो। बेटी, लड़की का घर मैका नहीं ससुराल होता है। फतेह मोहम्मद ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। लड़का शरीफ है, मुइज़िन साहब और पुजारी जी ने देख और समझ लिया है, हमें भी पसंद है, लेकिन जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है, इसलिए बगैर तुम्हारी रजामंदी के हम जवाब नहीं दे सकते। आप मां हैं, आपके कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है, मेरी राय आपसे अलग नहीं हो सकती। मगर जब आप पूछ ही रही हैं, तो अपने हालात देखते हुए मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। कहो बेटी। मेरा मेहर नक्द होगा और इतना होगा जितना मेरे बाबा जान का कर्जा है। मैं अपने बाबा का कर्ज चुकाए बगैर इस महल की दहलीज नहीं लांग सकती। फूलों की सेज पर बैठकर बाप की रूह को कर्ज के बोझ तले तड़पता नहीं देख सकती। खुदा करे तुम्हारा नसीबा आड़े ना आए। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। हर दिन तुम्हारे लिए ईद, हर रात शबे बरात बनकर आए। बेटी, शौहर की मर्जी का ख्याल रखना। मुझे यकीन है तुम अपने किरदार से ससुराल में मैके वालों का सर ऊंचा करोगी। छोटों से मोहब्बत, बड़ों का अदब करना। बेटा, तुम हमारे जिगर का टुकड़ा लिए जा रहे हो, संभाल के रखना। मैं दोनों को इमाम जामिन की जमानत में देती हूं। जाओ बेटी। मेहरा पालकी उठा। सरकार के वफादार, जां बाज़ो जां निसार, मैदाने कारदार के सूरमा शेख फतेह मोहम्मद फौजदार दरे दौलत पर हाजिर हैं। हमें यकीन है कि कामयाब लौटे हो, लेकिन ये पालकी, पालकी पर तो कर्जा नहीं था। खैर, पेश किया जाए।
ये कौन है? जागीरदार मीर अकबर अली नायता मरहूम की बेटी मजीदा बेगम वालाजा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजून। ये बच्ची कब यतीम हुई? एक साल पहले। इस्लाम में बेवाओं और यतीमों के साथ सख्ती करना मना है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। मैं ये कर्जा माफ करता हूं। बेटी तुम ये रुपया वापस ले जाओ। मैं अपने बाबा जान की रूह पर यह बोझ दोबारा नहीं लाद सकती। और हम भी किसी बेसहारा और यतीम लड़की से कर्ज वसूल नहीं कर सकते। अल्लाह के करम से ना मैं बेसहारा हूं और ना मुझे यतीम कहा जा सकता है। मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मुबारक हो। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? शेख फतेह मोहम्मद, सरकार आली वकार का फरमा बरदार। जजाक अल्लाह, मरहबा, आफरीन। मर्द ही मर्दों वाले काम करते हैं। तुम दीन और दुनिया दोनों में सर बुलंद हुए। क्या ये कर्ज तुम अदा कर रहे हो? जी नहीं, ये रकम सिर्फ मजीदा बेगम की मिल्कियत है और इसमें इनका कोई शरीक नहीं। ये मेरे मेहर का रुपया है। मैंने अपना मेहर उतना मुकर्रर किया था जितना मेरे बाबा जान का कर्जा था। आफरीन। अगर तुम्हारे जैसी बुलंद किरदार और हौसलामंद बेटियां हिंदुस्तान में पैदा होती रहीं, तो यकीनन एक दिन सारी दुनिया में हमारे वतन का मकाम सबसे ऊंचा होगा और उनकी गोदों में पलने वाले बच्चे वतन की आन बान शान पर मिटने वाले होंगे। तुम ये रुपए बतौर शादी का तोहफा हमारी तरफ से कबूल करो। इस रुपए को शादी के तोहफे में लेकर मैं जिंदगी भर ये महसूस करती रहूंगी कि एक खुदगर्ज बेटी ने बाप की कब्र पे चढ़ाए हुए फूल समेटकर अपनी सुहागरात की सेज बना ली। तुम्हारी हजर जवाबी ने हमें लाजवाब कर दिया। आज हम तुम्हें कुरान शरीफ बतौर तोहफा पेश करते हैं, जिसकी जगह हमारी गर्दन से बेहतर गर्दन होनी चाहिए, जिसे लेने से तुम इनकार भी नहीं कर सकती। खुदा तुम्हारी गोद चांद सूरज से हसीन रोशन सितारों से भर दे। आमीन। अब्दुल रसूल खान जी, रुपया खजाने में पहुंचवा दिया जाए। और उसका सूद शेख फतेह मोहम्मद के घर। बदतमीज, तुम इस हद तक पड़ गए हो, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। औकात भूलकर हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। ताहिर खान, अगर तुम आबिद खान के बेटे न होते तो मैं तुम्हारे ही खून के सैलाब में डुबोकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता। देखना कौन किसे किसके खून के सैलाब में गर्क करता है। जनाब, बुज़दिल और बदमिजाज ताहिर खां के दिल में दबी हुई नफरत की चिंगारी भड़क उठी और वो उनसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो गया। वक्त का कारवां गुजरता रहा, उसी के साथ साथ ताहिर खां फौजों पर फौजें इकट्ठा करता रहा और जब उसने अपनी ताकत पूरी तरह बढ़ा ली तो फतेह मोहम्मद की दुश्मनी में अपने बाप और भाई के खिलाफ जगह जगह बगावतें शुरू कर दी। लेकिन तलवार के धनी फतेह मोहम्मद ने हर कदम पर उसे अपनी शमशीर आबदार से मुंह तोड़ जवाब दिया।